नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहायता केंद्र। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग का ट्यूटोरियल चल रहा था, वो जो अगला वीडियो है जो मैंने आपको बताया था, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका वो वीडियो बना के, तो ये नेक्स्ट वीडियो है, ट्यूटोरियल है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि जो हमारा जो स्क्रीन है, जब हम वो प्रिंटिंग करने के बाद जो हमारा स्क्रीन है उसको रिक्लेम कैसे किया जाए, यानी उसको फिर से प्रिंटिंग के लायक कैसे बनाया जाए। आप ये सोचोगे कि दोस्तों कि मैंने अभी प्रिंटिंग तो आपको बताया नहीं और डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन क्लीन करने का बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बात यह है कि ये जो आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्क्रीन मैंने प्रिंटिंग कर चुका हूं मैं, और वो मैंने वीडियो आपको नहीं बनाया। तो सबसे पहले ये जो इसका स्क्रीन है, इसे हम लोग वॉश कर लेते हैं, कैसे किया जाता है, रिक्लेम कैसे किया जाता है, तो वो प्रोसीजर आज हम सीखेंगे। और ये ट्यूटोरियल के बाद फिर हम वापस जो हमारा जो कि स्क्रीन कैसे निकालना है, इमर्शन कैसे करना है, एक्सपोज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, और पहले देख लेते हैं ये जो स्क्रीन है इसको क्लीन करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम स्क्रीन निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप देखिए ये जो बनाया है डिज़ाइन में, इसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ ये कलर लगा हुआ है। इसको पहले हमने कोटिंग दी थी, प्लास्टिक की कोटिंग थी यहाँ पे, तो वो प्लास्टिक अभी हमें रिमूव करना है। रिमूव जब हम करेंगे, उसके बाद जब हम रिमूव कर लेंगे, उसके बाद हमको सबसे पहले ये जो कलर है, इसमें जो ये फ्रेम में जो कलर है, इसे हमें पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद जाके जो इमल्शन है यहाँ पर लगा हुआ है, जो कोटिंग हम कर किए हैं, ये जो कोटिंग है इसे हमें क्लीन करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जो कलर है, ये कलर हमें निकालना है, और कलर निकालने के बाद फिर जो साइड में कोटिंग लगी है हमें वो क्लियर करना है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें ये जो फ्रेम है, जो हमारा स्क्रीन है, ये हमें रिक्लेम करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे ज़रूरी होता है एक ये सॉल्यूशन आता है दोस्तों, इसको आप थीनर कह सकते हैं। ये इंक निकालने के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप कोई भी स्क्रीन प्रिंट की दुकान पर अपने को ये मिल जाएगा। इसके साथ में आपको बहुत सारा कॉटन भी लगता है दोस्तों। ये कॉटन के कपड़े से आप पहले ये कलर निकालेंगे, बहुत सारा कलर निकलता है, इसके लिए कपड़ा आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। सेफ्टी के लिए दोस्तों ग्लव्स भी आप पहनेंगे, ये मैं रेकमेंड करूँगा कि ग्लव पहन के आप काम करिए। बाकी तो अगर नहीं भी पहने तो कोई चीज़ नहीं है, बट पहनेंगे तो अच्छा है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन के ऊपर से जो हमारी जो पट्टियाँ जो हमने मारी थी सेफ्टी के लिए कि टी शर्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कलर्स ना आए, वो हमें निकालना है। तो इसे हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए, ये हमने जो इसका पूरी सेफ्टी पट्टी हमने मारी थी वो पूरा हमने इसे निकाल दिया है। कहीं कहीं और भी बचा हुआ है, उसे भी निकाल लेते हैं। ये जब अगले ट्यूटोरियल में जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये पट्टी क्यों मारी जाती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पट्टी तो चारों तरफ से निकाल दी है। अब हम जो मेन हमारा ये जो कलर है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ना, ये जो ए फोर साइज़ का ये जो बना हुआ जो हमारा डिज़ाइन है, इसे हमें, और ये जो कलर है ये आप देख रहे हैं, इस पर ग्रे कलर बना हुआ है, इसे हमें निकालना है। ठीक है, पहले आउटसाइड में जो भी कलर है उसे क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो हमें वो डिस्टर्ब करता रहेगा। कलर सूख चुका है, हम इसे जो हमारे पास इंक रिमूवर है उससे लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतना ये जो जब थीनर इसमें लगेगा तो ये कलर क्या है निकलेगा, और अगर आप नया कपड़ा बार बार नहीं लेते रहेंगे तो क्या है ये इसी में स्प्रेड होते रहेगा ये कलर। तो आपको हर बार पोछने के लिए कलर
निकालने के लिए कपड़ा ये चेंज करना पड़ेगा अगर ये सारा कलर अगर इसमें आ जाता है तो। देखिए क्या हुआ है, थोड़ा एक हार्ड हो गया है सूख के ये, तो आपको थिनर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। पूरी अच्छी तरीके से दोस्तों ये निकलना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो नया आप बनाएंगे, नया स्क्रीन बनाएंगे, उसमें ये ठीक से नहीं आ पाएगा नया डिज़ाइन। दोस्तों जो कलर था वो कलर मैंने जो रिमूवर है जिसे थिनर हम कहते हैं उससे मैंने कलर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए पूरा कलर है, ये मैंने पूरा साइड से इसमें का निकाल दिया है। अभी हमें जो ये कोटिंग है, ये कोटिंग हमें निकालनी है। ये कोटिंग निकालने के लिए एक डिकोडिंग पाउडर आता है, वो पाउडर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने पूरा क्लीन कर दिया है, एकदम क्लीन करके सुखाया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने समझा कि कैसे जो हमारा स्क्रीन है उसे कैसे रिक्लेम किया जाता है, कैसे उसे क्लीन करके वापस दूसरा डिज़ाइन उसमें बनाया जा सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं कि हमें कॉटन पे प्रिंटिंग करना है तो कौन सा प्रिंटिंग बहुत सही रहेगा। तो देखो दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग ही सबसे अच्छा है कॉटन के ऊपर और टिकाऊ काम करता है। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, बट क्या है जब भी काम होता है और अच्छे से अगर आप प्रिंट करोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और अच्छा प्रिंटिंग उसमें आता है, अच्छे रेट और अच्छा मार्जिन भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये स्क्रीन प्रिंटिंग सीख रहे हो और ये ट्यूटोरियल आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।